हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गूगल पे में किस तरीके से आप नाम चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और हाँ दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप जो है अपने गूगल पे नाम को जो है चेंज करते हो तो आपको जीमेल अकाउंट भी नाम चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों, आपने उसको जहाँ भी दे रखा होगा वहाँ पर दोस्तों वो चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, नाम तो आपका असली ही होगा। तो दोस्तों, मैं अपने गूगल पे अकाउंट को खोल लेता हूँ। दोस्तों, मैंने अपनी एप्लीकेशन गूगल पे को खोल लिया है और आप देख सकते हैं राइट साइड में ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको आपका लोगो दिखाई देगा। यहाँ इसके ऊपर टैप कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे टैप करते हो, आपका यहाँ पे जो भी अकाउंट नाम रहा होगा वो आपको दिखाई देगा। इसको दोस्तों हमें चेंज करना है, तो आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे अवनीटेक इंडिया नाम से अपना अकाउंट बना रखा। तो चलिए बैक आ जाते हैं, आप देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपको राइट साइड में आपका लोगो दिखाई देगा। इसके ऊपर दोस्तों क्लिक करते ही आपको आपका नाम देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बैक आ जाते हैं। और दोस्तों, आपको आपके फ़ोन की सेटिंग के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपको आपका गूगल अकाउंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, मेरे पास रियलमी का डिवाइस है और दोस्तों ये रहा गूगल, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास जो है रेडमी का फ़ोन है तो आप जो है उसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। मैंने इसको साइड में दिखाया है, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये दोस्तों Redmi की डिवाइस है और यहाँ पे Redmi के अंदर सेटिंग कुछ इस तरीके से रहने वाली है। आपको सेटिंग के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका Google अकाउंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरे पास Realme की डिवाइस है तो मैं दोस्तों Realme के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गूगल और जैसे आप इसके ऊपर टैप करते हो आपका अकाउंट खुल के आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो अकाउंट का नाम अवनीटेक इंडिया रखा हुआ है, तो दोस्तों आपने भी कुछ ऐसे ही रखा होगा। दोस्तों, आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देख लेना है, अगर आपके अकाउंट के साथ कोई एक्टिविटी होती है तो दोस्तों उसको गूगल सॉल्व कर देता है। तो दोस्तों, हमारा काम जो है यहाँ पे है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपकी दोस्तों पर्सनली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी आ जाती है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अवनीटेक इंडिया, आप देख सकते हैं यही मैंने इसको नाम रख रखा था। दोस्तों, आप यहाँ से फोटो भी चेंज कर सकते हो, दोस्तों नाम तो चेंज कर ही सकते हो। दोस्तों, हम जो है इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रखना होता है। तो दोस्तों, आप जो है अपना नाम लिख लीजिए और दोस्तों आप इसके बाद सरनेम रख लीजिए। दोस्तों, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मेरा नाम है नीरज और दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है। और सेकंड कॉलम में दोस्तों मैं यहाँ पे अपना सरनेम लिख देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों मैंने कश्यप लिख दिया है। दोस्तों, दोनों कॉलम भरने के बाद आपको यहाँ पे आगे के बटन पे क्लिक कर देना है और आपको जो है यहाँ पे एक पॉपअप देखने को मिलेगा कि आपको दोस्तों यही पॉपअप देखने को मिलेगा जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। जैसे ही आप इसको यहाँ पे चेंज करते हो तो आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट के ऊपर सारी जगह यही नाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप जो है अपना नाम चेंज कर सकते हो। और दोस्तों, बैकग्राउंड से सभी एप्लीकेशन को हटा देना है। और दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी देर बाद आपको चेक कर लेना है अपना गूगल पे अकाउंट। जैसे आप यहाँ पर ओपन करते हो, अभी दोस्तों कुछ समय के लिए आपका वही पुराना नाम चलेगा। यहाँ पे आप दोस्तों चेक कर सकते हो, यहाँ पे फिलहाल जो है अवनीटेक इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये जो है कुछ टाइम बाद यहाँ से हट जाएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं आपको प्रूफ के तौर पे अपना जीमेल अकाउंट खोल के दिखा देता हूँ, वहाँ पे मेरा नाम चेंज हुआ है या नहीं। दोस्तों, मैं अपना जीमेल अकाउंट खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं अपना जीमेल अकाउंट खोलता हूँ, यहाँ पे सॉरी, ये रहा मेरा जीमेल अकाउंट। और दोस्तों, यहाँ पे जो है मेरा नाम चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने लोगों के ऊपर क्लिक कर लेना है, जैसे ही आपका प्रोफाइल पिक्चर लगी होती है और यहाँ देख सकते हैं वही नाम यहाँ पे लिखा आ चुका है जो मैंने दोस्तों अभी अभी चेंज किया था। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताने देना चाहता हूँ, अगर आपने यूट्यूब चैनल बना रखा है तो दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल के अंदर ये नाम चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल का नाम अवनीटेक ही रहने वाला है, यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।